सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली की एक्साइटमेंट भी है ना। और दिवाली का त्यौहार हो और मिठाइयां ना हो, वो कैसे हो सकता है? क्यों, मिठाइयां तो बिल्कुल पसंद होगी। मुझे भी जो मिठाइयां हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या है ना, आजकल मार्केट में नकली सामान जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है, जिसकी वजह से ना इनकी मम्मी ने मिठाइयां लेने से मना कर दिया है ना। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मिठाइयाँ, बट मम्मी मेरे को मिठाई खरीदने तक नहीं देती हैं। तो इसलिए आज हम आए हैं यहाँ बीकानेर वाला, जो अपने आप में ही एक ब्रांड है। तो चलिए, फॉर श्योर यहाँ की मिठाइयों में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होने वाली है, इसलिए हम अंदर जाएंगे और अच्छी अच्छी मिठाइयों को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हम अपने रिलेटिव्स को कौन कौन सी अच्छी जो मिठाइयाँ हैं वो गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। यार हम शॉप में एंटर हुए नहीं कि मतलब मेरा तो दिल ही गदगद हो गया। यहाँ देखो कितनी सारी वैरायटीज है, मतलब गिफ्ट्स भी हैं, नमकीन भी है, मट्ठी भी है, गुजिया भी है। ये पूरा मैं उसको उठा के लेके जाने वाली हूँ, मेरे से उठेगा नहीं पर मैं इसको उठा के लेके जाने वाली हूँ। ठीक है, हमें इसको दे दूंगी, कैरी करोगे ना? यस, यही लेके जा रही है। ठीक है, मैं अभी अपना कुछ फाइनलाइज कर लूँगी, बट यहाँ पे ना इतनी सारी ऑप्शंस है। देखो अभी यहाँ पर ना आपको नमकीन मतलब सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। ये एक स्पेसिफिकली है इनका बीकानेर का अभिनंदन। देखो इसमें ना आपको 4 टाइप्स ऑफ जो नमकीन है वो मिल जाएंगे, मीठा भी मिल जाएगा, यानी खट्टा मीठा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा आप ये भी खा सकते हो, देखो प्राइस भी लिखा है 360, मतलब इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर, वो भी सिर्फ 360 में। इसमें आपको रसगुल्ला, मज़ा ही आ जाएगा, लव लजीज है। इसमें पीनट्स भी मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं इनकी। ठीक है, और इसी के साथ हम ना क्या करते हैं कि दूसरी मिठाइयाँ भी देखते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे सोन पापड़ी, दिवाली और जो होली है उनकी जो एक वो होती है ना जान, वो होती है सोन पापड़ी, है ना। सो गाइस यहाँ पर इतनी सारी मिठाइयाँ है ना कि मैं और कल्पना तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हैं। क्यों कल्पना? बिल्कुल, ये इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी लूँ। मेरा मन कर रहा है मैं सारी मिठाइयाँ ले लूँ। सारी नहीं ले सकते, हमारा तो बजट नहीं है। और ये सबसे ज्यादा यूनिक है, ये आज तक मैंने देखी नहीं है ये वाली। सेम पिंच, मतलब यार ये वाली जो मिठाई है ना मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। हाँ मैंने काजू कतली देखी है, दूसरी देखी है। भैया कहाँ गए भैया? भैया ये वाली निकाल के दो ना, ये वाली। नाम भी नहीं लिखा आपने इस पे, इतनी यूनिक मिठाई है ये बीकानेर वालों की। अब हम ना इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसी लग रही है ये, क्योंकि ना कभी कभार क्या होता है कुछ कुछ ना देखने में बहुत सुंदर लगता है। सी ये आई है हमारे पास मिठाई, सी हमारे पास आई है। अब ये मिठाई अभी इसको ना गर्म है, ये किससे बनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ये मावा से बनी है, टेस्ट से पता चल रहा है। नारियल की कोटिंग है, जितनी दिखने में सुंदर थी ना उतनी खाने में भी टेस्टी है। दो तीन और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायल तो फ्री होता है, ट्रायल के पैसे नहीं लगते। अब कौन सी लें? दिस वन, रोज वाली। ये अलग दिख रही है डिज़ाइन, है ना। दूसरी सी, सी आप खाओ पहले, रेटिंग देंगे हम बाद में। ठीक है, पहले हम खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। कल्पना कैसा लग रहा है? सो टेस्टी, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे पहली वाली बहुत अच्छी लगी थी, तुम अच्छी लग रही है? पहली वाली से थोड़ी कम बट अच्छी है। पर इसके अंदर क्या फीलिंग है? मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो। कोई नहीं, अंदर से हमें क्या लेना था, बाहर जो है ना इसके रोज पेटल्स लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से स्टिक हो रखे हैं। थोड़ा सा मुंह का टेस्ट अच्छा हो गया, चलो और दूसरी मिठाई लेते हैं। यार फ्री में खाने का मज़ा ही गजब का होता है, पता है। दूसरी मिठाई चूज करते हैं, विच वन? व्हाट इज दिस? ये सेम ही लग रही है मुझे थोड़ी बहुत ना, सॉर्ट ऑफ। इसमें बस इसमें थोड़ा सा पिस्ता का जो टेस्ट है वो उन्होंने, मतलब उस वाली में उन्होंने रोज पेटल्स को बहुत ज़्यादा लगा रखे थे, अब इसमें उन्होंने पिस्ता लगा दिया है। देखो काजू कतली तो सबकी जान होती है, थोड़े से ना ये देखते हैं ये वैरायटीज देखो। आहा मज़ेदार, क्या खाएं क्या ना खाएं समझ ही नहीं आ रहा है। ये वाली लेते हैं, खाएं भैया कहाँ गए? ये वाली भी। वैसे मैं इसको ना हाथ से खाने वाली थी, पर बाद में पता चला कि इसको स्पून से खाना है। स्टिल टेस्ट करके देखते हैं।
थोड़ा ये ना राजभोग वाली फीलिंग दे रहा है। How's this? So tasty. ये रसमलाई जैसी फीलिंग आ रही है इसमें। रसमलाई वाली लग रही है क्योंकि ये आइटम वही है। बहुत टेस्टी है ये, मुझे अब तक सबसे टेस्टी लगी। तो हम तो डेफिनेटली यही पैक कराएंगे, पूरे खाने वाले। सी, अब हमने मिठाइयाँ तो खा ली हैं, अब इनकी स्पेशलिटी क्या होती है वो भी इन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पवन शर्मा। ओके, तो इनसे जानते हैं कि हमने जो ये तीन स्पेशल और इनकी जो बेस्ट मिठाइयाँ खाई हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहले हमने खाई थी ये वाली, इनका ना इन्होंने नाम नहीं मेंशन किया था, जो मैंने वहाँ पर भी बोलता। सर, इनका नाम क्या है? ये खोया केसर बाटी है। ओके, मावा की रहती है, इसमें अंदर आपका ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है चॉकलेट का वो है अंदर, इसमें केसर के साथ में मावा की स्टफिंग रहती है, ड्राई फ्रूट रहता है, ऊपर से कोकोनट का वो किया जाता है। मतलब इतना इसमें हैवी जो पीस इन्होंने डाल रखा है, एक पीस खाते ही बंदे का पेट फुल हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली। एंड दूसरी जो हमने खाई थी वो थी हमारी रोज पेटल वाली। एंड तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने? मैम, इसमें ना अंदर जो इसका जो वेस्ट रहता है वो पूरा प्योर काजू का रहता है। ओके, ऊपर से रोज की इसकी गार्निशिंग की जाती है। तो ये मतलब कहाँ से कॉन्सेप्ट मिला कि यार अंदर थोड़ा काजू? हमारे जो शेफ हैं फैक्ट्री के अंदर वो अपना, वो तो शेफ ही बताएंगे। हम तो यार मतलब कस्टमर को पसंद आना चाहिए, बस कस्टमर लेके जाना चाहिए। सबसे लास्ट हमने खाई थी ये वाली, जो इनका यूनिक मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, इवन दिल्ली में भी ये वाला जो है ना आपको बीकानेर के अलावा किसी भी आउटलेट में नहीं मिलेगा। तो इसकी थोड़ी बहुत स्पेशल, ये बंगाली स्पेशल मिठाई है अनारकली, इसका नाम है। एक प्योर जो आपका मिल्क प्रोडक्ट रहता है उसमें बनाई जाती है अनारकली, और इसका जो स्वाद है मतलब अनार जो है इन्होंने गार्निश भी कर रखे हैं, मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मतलब टेस्ट था ना इनका गजब का ही। मेरा पूरा जो पेट है वो फुल हो गया है। एंड स्टिल आई होप कि आपको भी ये जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत टेस्टी लग रही होंगी। हाँ, इतना तो है कि आप स्क्रीन में से उसको नहीं टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस स्टोर पर ज़रूर विजिट करना होगा, इसलिए मस्ट विजिट द स्टोर। तो हमने यहाँ पर ना तीन बेस्ट जो मिठाइयाँ हैं वो खाई हैं और मुझे तीनों ही बहुत शानदार लगी हैं, हमने उनको रेटिंग्स भी दी हैं। लेकिन क्या है ना, मिठाई है और खुशियाँ हैं तो वो तो फैलनी ही है, क्यों? बिल्कुल, और मैंने आज तक इतनी सारी मिठाइयाँ खाई हैं, पर जो आज मैंने मिठाइयाँ खाई वो सबसे बेस्ट थी, आज तक की सबसे बेस्ट मिठाइयाँ। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट है ना कि यार मिठाइयाँ हैं, दिवाली है, दिवाली के मौके पर थोड़ी बहुत मिलावट जो मिठाइयों में मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ आओ मिठाई खाओ। यार दिवाली है, खुशियों वाली दिवाली है, मिठाई वाली दिवाली है, और दिवाली में अगर हम सेलिब्रेट ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग बोर्ड स्काई, एंड यस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड मिठाइयाँ जरूर खाएं। सो मैंने अपना गिफ्ट जो है वो पैक करा लिया है, और मैंने भी ले लिया है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, और ये मैं सबको दूंगी। तो इसलिए आप भी यहाँ पर आओ और अपने गिफ्ट्स पैक कराओ, और जल्दी जल्दी से दिवाली है तो खत्म कर जाओ। मैं जा रही हूँ।